नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत, यही न्यूज टाइम। हिंदू देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का पुलिस को दिया निर्देश। अधिवक्ता अग्नि रस्तोगी ने दाखिल की थी मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी। सपा को लगा एक और बड़ा झटका। एटा से पूर्व सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव भाजपा में शामिल। वहीं संबल में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव वकील रहमान खान ने ज्वाइन की सपा। जालौन में महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म के आरोपी पुलिसकर्मी को भेजा गया जेल। महिला सिपाही और आरोपी पुलिसकर्मी 3 साल तक एक ही थाने में थे तैनात। जाँच के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी। मेरठ में 11 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में 3 सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सगे भाइयों ने मिलकर 14 वर्षीय किशोर की कर दी थी हत्या। आगरा में शादी के 9 दिन बाद पति ने कर ली आत्महत्या। पत्नी पगफेरे की रस्म निभाने गई थी मायके। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। संबल में पत्नी ने पति का 20 लाख रुपए का बीमा कराने के बाद रची खौफनाक साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर करा दी हत्या। 3 लोग गिरफ्तार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूलों में सुरक्षा उपाय न करने पर सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने मुख्य सचिव द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पिछले 6 माह में भेजी गई रिपोर्ट तलब की। झांसी में प्रेमी की सगाई में पहुंची प्रेमिका ने जमकर किया बवाल। प्रेमिका ने लगाया युवक पर धोखा देने का आरोप। दोनों पक्ष पहुँचे थाना। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। मीका ने BHU कैंपस में आयोजित टेक्नेक्स कार्यक्रम में जमकर किया परफॉर्मेंस। मीका के गानों पर थिरके युवा। गेट की परीक्षा का परिणाम जारी। BHU के 3 छात्र टॉपर बने। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र शुभम, सार्थक और अभिनव को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें www.etvbharat.com।